हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली जॉवियल लाइफ। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज संजना और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल, जो मैं नहीं करूँगी, मेरी भाभी करेगी मेरा मेकअप। तो बस वही हमने सोचा कि आज आप सबके साथ शेयर करें। चेन्नई में तो कम ही मौके मिलते हैं मेकअप करने के, तो यहाँ पर मौका मिला है तो क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। और मेरी भाभी बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं, पहले भी उन्होंने मैरिजेस वगैरह में मेरा मेकअप किया है। तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो उसकी पिक्चर्स वगैरह है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप मुझे पसंद नहीं है, तो लाइट ही मेकअप मुझे पसंद है। और यहाँ पर दिल्ली आके तो मेकअप करने के मौके मिल जाते हैं कि फ्रेंड्स के यहाँ जाना है या फिर किसी से मिलने जाना है, तो हमें लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया जाए। तो वही मैं आप सबके साथ आज शेयर करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, इसलिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ सबसे मिलने के लिए। मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो आप सबके साथ शेयर करती जाऊँगी। और जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो अंडर 1000 की रेंज में ही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स का नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी आप सबके साथ, नायका या अमेज़ॉन से आप ख़रीद सकते हैं। तो बस अभी हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना मेकअप, और फिर हम फाइनल लुक के साथ आपके साथ बात करेंगे। चलिए लेट्स गो। तो भाभी सबसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले हम लगाने वाले हैं मॉइस्चराइजर टू प्रेप आवर स्किन। हम प्राइमर यूज करेंगे। ये दोनों स्टेप स्किन को प्रिपेयर करने के लिए हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे हम लोग। इसके बाद हम लेंगे कंसीलर, जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको कवर करने के लिए, एंड कंसीलर बहुत ही कम लगेगा। अब हम कंसीलर को थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, एंड कंसीलर आप अपने स्किन टोन एंड अपनी कवरेज के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। दीदी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम ज़्यादा नहीं लगा रहे, जिनको ज़्यादा की ज़रूरत हो वो उसके अकॉर्डिंग कवरेज करेंगे। डैप डैप करके आप उसको थोड़ा सा इवन में स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं कंसीलर ब्लेंड करने के बाद जो हमारी कवरिंग जहाँ जहाँ हमें चाहिए थे हमने वहाँ कर लिया है, एंड स्किन टोन काफ़ी इवन लग रहा है। बट एक फॉर्म फिनिशिंग लुक के लिए हम थोड़ा सा बेस यूज करेंगे, फाउंडेशन बहुत ही मिनिमल जो हमें रेगुलर के लिए चाहिए। बेस भी आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। ये दीदी के स्किन टोन के लिए है 27 वियना शुगर का। अब अगेन ब्लेंडिंग। अब बस हम थोड़ा सा आई शेडो
फॉर लिटिल ग्लो। आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट लगाया है कि डे में वो बस हाईलाइट रहे एंड फेस अच्छा ग्लो करे। अब तो हम आईब्रोज को डिफाइन करते हुए थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल यूज करेंगे जिससे वो इवन दिखे। जहाँ जहाँ गैपिंग है बस उसी को हल्का फिल करते हुए चलेंगे। आप देख सकते हैं बस हमने थोड़ा सा ही डिफाइन किया है एंड अब हम यूज करेंगे काजल। काजल एंड काजल आप दीदी खुद ही यूज करेंगे क्योंकि बेटर ऑप्शन है। अगर आप काजल बहुत लाइट लगा रहे हैं तो आप अपने यूज के हिसाब से ईज के हिसाब से आप यूज करें हल्का सा। ये मैंने लगा लिया है काजल और इससे मैंने स्मज भी कर लिया है तो काफी अच्छा लुक आ रहा है आईज का आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे काजल के नीचे कलर से थोड़ा इफेक्ट देंगे। ये थोड़ा सा स्मजी और नेचुरल लुक आ जाए। अब हम लिप लाइनिंग करेंगे। दिस इज द पिंक लाइट पिंक कलर जिससे हम लिप लाइनिंग करने वाले हैं। लिप लाइनिंग इज डन। अब हम फिल करेंगे लिपस्टिक। नेचुरल कलर है, दिस इज फ्रॉम लोटस चोको कूचर कलर नेचुरल। अब हम लास्ट स्टेप फिनिशिंग ऑफ आवर रेगुलर मेकअप हाइलाइटर। This is from Sugar. Highlighter थोड़ा सा नोज़ पे, lips पर, chin पर, जो heights area है face के बस उसी पे हम highlighter लगाएंगे। मेकअप इज डन। तो मेकअप मेरा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है मेरे फेस पर, कितना ग्लो कर रहा है। और भाभी ने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है और ये मैंने कल मेहंदी लगाई थी राखी के लिए, बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छा कलर आया है मेहंदी का। अभी मैं ड्रेस चेंज करती हूँ फिर फाइनल लुक के साथ आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरी भाभी का मेकअप पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और ये पीछे मेरी मम्मी का गार्डन है, इन्होंने बहुत ही अच्छे प्लांट्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इन्होंने प्लांटिंग कर रही है पार्क में। और इसमें वेजिटेबल्स भी है, ये अदरक का पेड़ है, ये लहसुन का, और ये तोरी की बेल जा रही है ऊपर तक, घिया भी लगी हुई है। तो मम्मी को बहुत ही शौक है प्लीज़ प्लांटिंग का, गार्डनिंग करने का बहुत ही शौक है मम्मी को। फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेलिंग में ये वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अपने गार्डन और घर की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए खूब सारा सब्सक्राइब। और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।